हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इट मीन्स कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन, जब किसी एसेट में कंटिन्यू गिरावट आती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कुछ टाइम बाद कोई एसेट की वैल्यू और क्वालिटी में चेंजिंग आती है, उस चेंजिंग को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उस एसेट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं रह जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन बाई कॉन्स्टेंट यूज, किसी एसेट को कंटिन्यू यूज करने से भी उसकी वैल्यू में चेंजिंग आती है। बाई ऑब्सोलिसेंस, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो पुराने ओल्ड प्रोडक्ट को हम कम यूज़ करने लगते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी के एसेट को हम ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीपैड फ़ोन अब नहीं दिखता है। पहले कीपैड फ़ोन जब न्यू न्यू आया था तो लोग वही यूज़ करते थे, अब उसकी जगह पे एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, लोग ये सब यूज़ करते हैं। बाई एक्सीडेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है, कंपनी के गोडाउन में बहुत सारे स्टॉक रखे हैं, उसमें आग लग गया या फिर फ्लड आ गया, इससे सारे स्टॉक खराब हो जाती हैं, उनकी वैल्यू घट जाती है। बाई परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, एसेट की वैल्यू कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, एसेट की वैल्यू कंटिन्यू मार्केट में उसकी वैल्यू में गिरावट आ रहा है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या यूज़ होता है डेप्रिसिएशन निकालने में। टोटल कॉस्ट ऑफ दी एसेट, एसेट की टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं, मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदा, मशीन जिसकी वैल्यू थी 2 लाख, वो मशीन लाए हम घर पे, फिर उसका इंस्टॉलेशन चार्ज हमसे ले लिया लेबर ने 5000, तो टोटल मशीन हम एक्सपेंस उसके साथ घर लाने तक मशीन में जितने एक्सपेंस होते हैं वो भी हम मशीन के कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ मशीन के टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 2,05,000। अब ये मशीन हमने ख़रीदा, ये मशीन हमारी चलेगी 25 ईयर तक। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट तो समझ में आ गया। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, इट मीन्स हम कोई भी मशीन खरीदते हैं उसका एक टाइम होता है कि कितने टाइम तक, कितने ईयर तक ये चलेगी, उसी को कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब देख ले स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मशीन खराब हो जाएगी तो हम उसको कबाड़ में बेचेंगे तो वो कितने की बिकेगी। जैसे ये मशीन 2,05,000 की है, जब ये खराब हो जाएगी, इसकी वैल्यू घट जाएगी, तो अब हम इसको कितने में बेचेंगे, तो मान लेते हैं इसका स्क्रैप वैल्यू है 20,000। अब हम देख लेते हैं हम डेप्रिसिएशन इस पे कैसे निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ हमने लिया था 25 ईयर, तो यहाँ कर लेंगे नहीं, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ टोटल कॉस्ट में आ जाएगा 2,05,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारा है 20,000 अपॉन 25 ईयर। कर लेते हैं तो 2,05,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा, 1,85,000 अपॉन 25। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,400। तो यहाँ आ गया हमारा डेप्रिसिएशन, ये हो गया इस मशीन का डेप्रिसिएशन। अगर हमको इसका रेट निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। जितना डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट आया है 7,400 अपॉन जितना टोटल मशीन का वैल्यू है, यहाँ पे कितना है 2,05,000 है, तो अपॉन यहाँ कर लेंगे 2,05,000 इंटू
100, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे रेट। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन डेप्रिसिएशन का, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।